शपथ लेते ही एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगले 100 दिन 6 माह वार्षिक कार्य योजना के निर्देश दिए गए हैं। कार्य योजना मंत्री परिषद के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और बैठक में सीएम योगी ने पार्टी के संकल्प पत्र पर भी चर्चा की है। यानी कि देखिए, शपथ लेते ही किस तरह से एक्शन में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरी रिपोर्ट भी मांग ली गई है कि किस तरह से आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हमारी तुलना पिछले सरकारों से नहीं, हमारी जो हमारा कॉम्पिटिशन है अपने पिछले कार्यकाल से हमको करना है। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी का एक्शन 100 दिन का अल्टीमेटम। यूपी में विकास का बाबा स्टाइल। अफसरों को घुट्टी, टीम वर्क की बूटी। एक्शन में बाबा 100 दिन का प्लान मांगा। यूपी में अब ना तो गुंडे, माफिया, बाहुबली और ना ही दंगाई बोलेंगे, बल्कि यूपी में सिर्फ और सिर्फ बाबा, बुलडोजर और विकास की गूंज सुनाई देगी। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेते ही अधिकारियों और नवनिर्वाचित मंत्रियों से 100 दिन का एक्शन प्लान मांगा है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को अगले 100 दिन, 6 महीने और 1 साल के लिए सरकार की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में अगले 5 सालों में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसका पता तो इस 100 दिन के एजेंडे में चल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये तो तय है कि 100 दिन हो या फिर 365 दिन या फिर 1800 दिन, बुलडोजर पूरे 5 साल तक गुंडे, माफियाओं के सीने पर दौड़ेगा। दरअसल शनिवार को सीएम योगी लोक भवन पहुंचकर सभी मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को 100 दिन 6 महीने 1 साल और 5 साल का लक्ष्य तय कर प्रेजेंटेशन देने का आदेश दिया है। इससे पहले बाबा ने यूपी को 15 करोड़ गरीबों को तोहफा देते हुए मुफ्त अनाज मिलने वाली योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। शपथ लेने के बाद से सीएम योगी एक्शन में हैं। एक तरफ जहां माफियाओं और गुंडों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर तेजी से दौड़ रहा है, तो वहीं संकल्प पत्र में आम जनता से किए गए वादों को भी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तभी तो बाबा ने अधिकारियों को अगले 100 दिनों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।